नमस्कार। किसी भी विषय वस्तु पर जब तक चिंतन मंथन नहीं होता है उसकी गहराई तक जाने में असंभवता जाहिर होती है, और हम ये कह सकते हैं किंतु परंतु के बाद ये वो पॉइंट वो विषय उलझ कर रह जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका किसी न किसी विषय पर एक रिसर्च है, लंबा रिसर्च है। ओपी नंदवानी जी शिक्षाविद हैं, अनेकों विषयों पर इनका एक लंबा रिसर्च है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे तनाव को ये किस रूप में देखते हैं। आज देश प्रदेश की बात करें, विदेश की बात करें, संसार की बात करें, किस रूप में एक हावी होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये नंदवानी जी स्वागत है आपका। आपसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। विषय तो अनेकों जिसका व्यापक रूप होते हैं, अनेकों प्रकार भी होते हैं। आपसे तनाव के को लेकर के हम कुछ सवाल करेंगे। राम साहब, बहुत ही अच्छा और आज के वातावरण के लिए आवश्यक विषय आपने चुना है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में तनाव आज पूरे समाज को, पूरे भारत को दिमक की तरह से खाए जा रहा है। जो तनाव से हो रहा है वो स्पष्ट तौर पे हम उसका ना तो कोई इलाज ढूंढ पा रहे हैं, ना ही हम उसकी रोकथाम के लिए कोई समाज के अंदर सुचारू काम कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि आज युवा लगभग 40-25 साल के युवा प्रतिदिन हमारे एक देश के अंदर सुसाइड कर लेते हैं। लगभग 12,000 से 15,000 सालाना 25 साल की आयु के युवा हमारे देश में सुसाइड करते हैं, और उनका कारण है तनाव। ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन ऐसे आंकड़े भी हैं जो हमारे सामने नहीं हैं। कहीं पे किसान, कहीं पे दंपत्ति, कहीं नवयुवा दंपत्ति, तो तरह तरह के जो ये केस हैं सुसाइड के पूरे तनाव से ही हो रहे हैं जी। और तनाव का समाधान अगर ये ना कुछ सोचा गया तो मैं समझता हूँ ये समस्या बहुत ही विकराल रूप लेने वाली है, और इससे और दिन प्रतिदिन इसका ग्राफ बढ़ ही रहा है। अगर हम बात करें 2019 की तो लगभग 21% वृद्धि हमारी 2020 में जाके 21% वृद्धि हुई, और वृद्धि हो रही है लगातार। और उसका कारण यह है कि हम 2 लाख पिछले डेकेड में अगर हम बात करें 2012 से 2022 की, तो हम 2 लाख युवाओं को खो चुके हैं। ये कहते कभी पूरी नहीं होगी, हमें तुरंत बिना किसी और चीज सोचे इसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए पूरे समाज को। और अग्रसर होने के लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि हमारे जो कारण हैं उनको खोजना चाहिए। और कारण विशेष रूप से मैं ये समझता हूँ कि आज बच्चे जो हैं पाश्चात्य सभ्यता के अंदर जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि माता पिता उनको वो समय नहीं दे पा रहे, अध्यापक भी उनको समय नहीं दे पा रहे, और जो हमारे पुराने संस्कार थे वो पुराने संस्कार उनको कोई दे नहीं पा रहा, और उनको आज रोजगार से जूझना पड़ रहा है। उनका उनके ऊपर एक दबाव है, हर तरह का दबाव है, पारिवारिक दबाव, यदि वो पढ़ता है तो पढ़ाई का दबाव है, क्योंकि पढ़ाई के अंदर भी आज असमानता है। अगर गांव की पढ़ाई की बात करें और शहर की बात करें, हम तुलना करें, तो वो बच्चा किस वातावरण में पढ़ रहा है और वो बच्चा किस वातावरण में पढ़ रहा है, उसे क्या समाज से मिल रहा है, ये बहुत बड़े बोझ की बात है। जब उसको कंपटीशन की तैयारी एग्जाम देना पड़ता है तो दोनों एक ही साथ बैठते हैं, तो उसके लिए मुकाबला करना बड़ा कठिन हो जाता है। रोजगार की बात करें, उनको रोजगार आज नहीं मिल पा रहा है। परिवार की बात करें, जब परिवार के अंदर आपस में उनका नहीं तालमेल होता तो तनाव हो जाता है, उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो तनाव। तो तनाव आज कई तरह का हो गया है, नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। तो तनाव को हमें खत्म करने के लिए मूल जो हमारे कारण हैं, पुराने हैं, जो हमारे समाधान हैं पुराने, उनको लागू करना। नंदवानी जी, जैसे आपने युवाओं के बारे में,
हम ये कह सकते हैं आज तनाव हर क्षेत्र में हमें नजर आता है। वो भले ही किसी भी विषय को हम अगर देखते हैं, विदेशी संबंधों की बात करें, देश के आपसी देशों की संबंधों की बात करें, भारत पाक के संबंधों की बात करें तो तनाव नजर आता है, भारत चीन के रिश्तों की बात करें तो तनाव नजर आता है, राजनीति की बात करें तो तनाव नजर आता है, चुनाव की बात करें तो तनाव नजर आता है। तनाव है कहाँ नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, तनाव है नहीं कहाँ नहीं है, और इस तनाव से किस तरीके से निकला जाए, कैसे मुक्ति पाई जाए। तनाव को लेकर के आपने अध्यात्म के रूप में भी काफ़ी लंबा रिसर्च किया है, गीता जी की बात करें, श्री रामचरितमानस की बात करें, क्या उनमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निकलने का कोई उपाय नजर आता है? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने बात की। तनाव निकालने के लिए भारत वर्ष जो है वो आध्यात्मिक गुरु है जी। अध्यात्म पूरा का पूरा संसार के जो बनाने की प्रक्रिया है उससे जुड़ा हुआ है। गीता जी की बात करें तो अध्याय 7 में आता है कि हम वास्तव में देखते हैं कि हम पंच तत्व से बने हैं। हर आदमी यही कहता है कि भाई पंच तत्व भूमि है जी, आकाश है, वायु है, गगन है, जल है। तो वास्तविकता क्या है, भगवान विज्ञान बताते हुए, इसका जो रहस्य वो बताते हुए कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि तीन चीजें मैंने और भी डाली है, अहंकार डाला है, मन डाला और बुद्धि डाला। आज की भाषा में अगर मैं कहूँ तो दिस थ्री आर द सॉफ्टवेयर, नजर नहीं आ रहे, हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है जी। और पांच चीजें नजर आ रही है, तो जो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है मन बुद्धि और उसकी, उसके अंदर जो मन है वो मन बेचैन रहता है, और मन बेचैन रहता है इच्छा पूर्ति नहीं होती, इच्छा पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा इसी जो हमारी कामनाएं हैं, गीता जी के अंदर तो हमारी कामनाओं को कहा गया, हमारी कामनाएं बढ़ गई है, हम एक दूसरे से ज्यादा रिच होना चाहते हैं, एक दूसरे से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, एक दूसरे से ज्यादा वैभव। एक तो हमारी जो ये संग्रह प्रवृत्ति है, संग्रह का कहीं स्थान है, दूसरा अहंकार एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रक्रिया अहंकार का रूप ले लेती है। तो अहंकार, क्रोध, कामना जब ये बढ़ते हैं तो तनाव। सबसे बड़ा जो हमारा सिद्धांत गीता जी में दिखाया है और जो रामचरितमानस में दिखाया है वो ये दिखाया है कि हमें पर्यावरण जो है हमारा, अब पर्यावरण को हम दबाव नहीं मानते, वास्तव में दबाव है। एक आदमी स्ट्रेस में है, शोर शराबे में है, और हो जाएगा। अगर विचारों का प्रदूषण है, और हो जाएगा, बढ़ेगा। तो उसको सबसे पहले अपनी जो प्रकृति के साथ जुड़ाव है, प्रकृति और मानव दोनों अलग नहीं है। क्यों, आप देखिए गीता जी के 10वें अध्याय में संपूर्ण रूप से कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बताने का प्रयास किया कि मेरी विभूतियां क्या है, और विभूतियों में ये बताने की क्या आवश्यकता है कि मैं पीपल हूं, पर्यावरण, ये बताने की क्या आवश्यकता है कि मैं सुमेरु पर्वत हूं, पर्यावरण, ये बताने की क्या आवश्यकता है शुद्ध वायु। उन्होंने जो भी बताया कि मैं पृथ्वी है वो इंसान की माँ है, मैं पिता हूं, प्रकृति पिता है, तो प्रकृति को जब पिता बता दिया, पृथ्वी को जब माता बता दिया, और उन्होंने सूर्य चंद्रमा मैं हूं, उन्होंने ये सारी चीजें प्रकृति की तरफ मानव को जोड़ने के लिए ही कहा। अगर आप राम जी का देखें, वो 14 साल जंगलों में रहे, वो पर्यावरण, इससे बड़ा फॉर एग्जाम्पल क्या होगा। कृष्ण जी का जन्म देखें आप, वो इशारा हमेशा करते हैं, गायों को चराने जाते हैं, उनके भोजन के अंदर भी शुद्धता है, भोजन की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं कि कैसा हो, योग की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, यहाँ तक कि 5वें 6वें अध्याय में वो डीपली बता रहे हैं कि आप अगर योग करना चाहते हो तो कैसे करें, आप खाएं कैसे, आपका आचरण कैसे अंतःकरण के साथ। वो हमेशा बात करते हैं पर्यावरण की करते हैं, और उसका निवारण भी साथ दे रहे हैं। आप देखें हैं जो उनकी मुरली है वो सामवेद का संकेत है, संगीत, संगीत तनाव को दूर करने का मुख्य एक इलाज है,
आप एकदम उत्सुक कब आ जाए, आपने बात की बेटा जी रामायण की, वेदों की, किसी भी पुस्तक को अपना मित्र बना ले, आप संगीत की तरफ आ जाए, ना तो हम पुस्तकों को आज मित्र बना रहे हैं, ना हम संगीत को अपना मित्र बना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे जो बुजुर्गों के प्रचलन था मित्र, रात को पहले बुजुर्ग बैठते थे आपस में चर्चा करते थे, मेरे को ये दुख है, मुझे ये दुख है, वो अपने दुख को निकाल के एक पूरे के पूरे समाज के आके, पूरी बिरादरी के आके रख देते थे, आज अपना दुख अकेला इंसान के घूम रहा है। नंदवानी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम मित्र निहार क्षेत्र में तनाव बना रहता है, भले ही देश के आपसी संबंधों की बात करें, राजनीति की बात करें, तनाव ही तनाव नजर आता है, तो इससे मुक्ति और उपाय हल कहाँ तक युवा सोचेगा, आज का जनमानस कहाँ तक सोचने के लिए? लालसा, जो हमारे देशों के साथ आपसी तनाव है, वो भी तो कहीं ना कहीं अहंकार और लालसा के ही तो देन है। हमें दूसरे की भूमि चाहिए, हम अपने क्षेत्र को चाहे कुछ करना पाए लेकिन दूसरे का हड़पने की जो परंपरा है, आज हम किसी भी देश की बात करें, अगर कहीं कोई समस्या की बुनियादी आप बात करेंगे तो यही निकलेगा, या तो वो नीचा दिखाना चाहता है या वो हमारी चीज को हड़प करना चाहता है, वो खुले मन से स्वीकार करने नहीं चाहता। हम इधर उधर की बातें करके, बहानेबाजी करके अपनी गलत बात को कोई भी देश जस्टिफाई करता है, यहां तक कि आतंकवाद को जस्टिफाई कर देते हैं। हम अपने देश की बात करें, हम सही हैं, सामने वाला सही नहीं है, तो तनाव खत्म कैसे होगा? नंदवानी जी, एकल परिवार सामने आ रही है, एकल, अब जो आप सामूहिक परिवारों की बात करते हैं, दादा नानी चाचा दादी की बात करते हैं, वो नजर नहीं आते, एकल परिवार आजकल देखने को मिलते हैं, तो ऐसे समय में कि कैसे कहें कि वो परिवार का हमें सपोर्ट मिलेगी, सहयोग सहायता मिलेगी, दिशा निर्देश मिलेगा? आज आप जो कह रहे हैं, बच्चे ये महसूस करने लगे हैं, ये जो वातावरण चला हमारा 2 साल तक कोविड का, इस कोविड में बच्चों को वर्क फ्रॉम होम करने का अवसर मिला जी। और उस अवसर के दौरान पूरा परिवार एकत्र हुआ, पूरे परिवार के अंदर उन्होंने मिलके देखा, आज आप 10 परिवारों में इंटरव्यू लेके देख लो, वो सारे कहेंगे कि हम ज्वाइंट फैमिली में खुश हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा था। आप देखिए कि अगर आज रिश्तों की बात करें, वास्तव में आपने ठीक कहा, रिश्ते भूल जाएंगे लोग, चाचा का रिश्ता खत्म, मासी का खत्म, ये सब खत्म हो रहे हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों को पालने की टेंशन नहीं, बच्चों को पढ़ाने की टेंशन नहीं, खाने की समस्या नहीं, फास्ट फूड नहीं, घर का खाना खा रहे हैं, आज बच्चे लाखों बच्चे घर में काम करके जो उन्होंने परिवार का प्यार देखा, भोजन देखा, वो बेचारे 4-5 साल बाहर पड़े, फिर नौकरी में थे, वो खा रहे हैं फास्ट फूड पिज्जा खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं, आज वो घर का जो वातावरण देखा है, तो आप वाली बात है, ये जो परंपरा है ये बहुत आवश्यक है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अच्छा सिस्टम है, और जो ये एकल परिवार अकेले रहने वाली जो सिस्टम है ये ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। अगर हम परिवार की जो महत्व की बातें हैं उनको अपनाने की चेष्टा करेंगे तो हमें तनाव से मुक्ति, तनाव को लेकर के शासन तंत्र को भी सोचना होगा, चिंतन मंथन करना होगा, अकेले एक समाज से या अकेले एक परिवार से चिंतन मंथन से हमारे को नहीं लगता इसका कहीं हल नजर आएगा या आने वाले समय में इसका कोई रिजल्ट सामने आएगा। शासन प्रशासन से लेकर के जिसकी भी जिम्मेदारी तय है उसको अपना एक भूमिका निभानी होगी, ऐसा आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है, अगर हम सही भूमिका में आएंगे, गंभीर होंगे, जैसे हमने स्वच्छ भारत अभियान, अभी हम हर कोई जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास करता है, परिवार की बात परिवार पर डाल देते हैं, समाज की समाज पर डाल देते हैं, सरकारें अपने हिसाब से चलती हैं, देश प्रदेश की बात करें तो हर आज 5 वर्ष की जो सरकार है इनका एजेंडा अलग है, अगली 5 साल में जो सरकार आएगी उनका एजेंडा अलग है, इनके जो विषय टॉपिक थे वो अलग रह गए हैं, आने वाले जो विषय टॉपिक होंगे अगले नेक्स्ट आ जाएंगी, तो जो पीछे अधूरे रह गए वो अगले नए स्टार्ट नहीं कर पाते, कुल मिला के एक दूसरे पर ही उलझ के हम रह जाते हैं, न तो देश की बात करते हैं न प्रदेश की बात करते हैं, जो वास्तविकता में जो मुख्य टॉपिक है उस टॉपिक को क्योंकि इसलिए नहीं लेना चाहती पार्टी, अगर पिछले टॉपिक को अगली पार्टी उठाएगी उसको सिरे चढ़ाएगी तो उसका सरे क्रेडिट उसको पिछली सरकार को जाएगा।
हम किसी भी रूप में ये लालसा है, लालच है, इन राजनीतिक पार्टियों को भी त्यागना होगा, ऐसा संभव लगता है? ऐसा संभव हो सकता है। ये सारी जो बातें हैं ये वास्तव में ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आपने जो विषय उठाया, वास्तव में हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक है। जब हमारा समाज के अंदर कुछ लोगों के पास धन इकट्ठा होगा, कुछ लोगों के पास, अब आज एक आंकड़े आते हैं कि सारा धन एक तरफ 10% का धन है, ये आमतौर पर आपने भी सुना होगा कि 10% जो पूरे पूंजी है वो तो एक तरफ है और 90% पूरे देश में। तो ऐसे में जो असंतुलन है कहीं ना कहीं ये कारण है बड़ा। पर हमें आज जो खोजना है वो खोजना है, पहले हमें अपने को अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं होना चाहिए। जो परिवार है, समाज है, समाज ये देखे कि भाई अगर एक आदमी की समस्या है, वो समस्या अगर लंबी होगी, अगर समस्या लंबी होगी तो वो तनाव का रूप लेगी, तनाव का रूप लेगी तो लास्ट में क्या करेगा? जब पुलिस के पास जाएगा, समाज के पास जाएगा, उसके पास तो या तो बड़ों के पास जाए, या वो पुलिस के पास जाए, या समाज के पास जाए, इससे पहले कि हम वो आए और अपना रोए। हमें पता है कि एक समाज के अंदर इस आदमी के साथ ये समस्या है, हम उस समस्या के उसको सुने, उसके समाधान के तरफ ईमानदारी से बोले। अगर हम इस तरीके का वातावरण लाएंगे तो पक्का है कि हम तनाव को समाज से दूर कर पाते। जी, शुक्रिया।